हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी एफएम। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं और मैसेज कीज क्या होती हैं। तो गाइस, इस वीडियो को ना आप लोग बड़े ध्यान से देखना। मैं इसमें आपको बड़ी डिटेल में समझाऊंगा कि प्रोड्यूसर्स कैसे डाटा प्रोड्यूस करते हैं और वो कैसे टॉपिक पे अपलोड होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो डाटा राइट कैसे करते हैं टॉपिक पे। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपको जरा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि ब्रोकर होता है, ब्रोकर के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स हो सकते हैं और हर टॉपिक में जो है अपना पार्टीशन होता है, पार्टीशन 0, 1, 2। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम आप देखें, अगर जो ये तीनों एक ही टॉपिक है, मतलब टॉपिक ए है और उनके तीन पार्टीशन को दिखाया गया है, पार्टीशन 0 है, पार्टीशन 1 है और पार्टीशन 2 है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये ऑफसेट्स लिखे हैं, ये पार्टीशन 0 का ऑफसेट है। ठीक है, ये पार्टीशन 1 का ऑफसेट है, 0, 1, 2, 3। ये 0 जो है ना, ये 0 एक सिंगल ऑफसेट है, ये 1 जो है सिंगल ऑफसेट है पार्टीशन 1 का, टॉपिक ए का। टॉपिक एक काफका ब्रोकर में है। ठीक है, काफका ब्रोकर में काफ़ी सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, उनमें से एक टॉपिक है टॉपिक ए, उसके अंदर है काफ़ी सारे, उसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक, एक टॉपिक के अंदर काफ़ी सारे पार्टीशन हो सकते हैं, उनमें से एक पार्टीशन है पार्टीशन 1। एक पार्टीशन के अंदर काफ़ी सारे ऑफसेट हो सकते हैं, उनमें से पहला ऑफसेट है 0 और ये हमेशा सिक्वेंशियल सिक्वेंशियल रहते हैं। ठीक है, और अगर आपको डिटेल जाने तो पिछली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं एक बारी कि क्या है। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ प्रोड्यूसर्स के बारे में। ठीक है, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कोई भी जो डाटा जाएगा टॉपिक के ऊपर वो ऑब्वियसली कहीं से प्रोड्यूस होना चाहिए, तो जो डाटा प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर राइट डाटा टू टॉपिक्स। ओके, अब प्रोड्यूसर्स को जो है वो पता होता है कि उनको कौन से वाले पार्टीशन पे लिखना है। ऑब्वियसली टॉपिक तो आप बताएंगे कौन से वाले टॉपिक पे लिखना है, बट अगर आप पार्टीशन ना भी बताएं तो भी उनको पता होता है कि कौन से वाले पार्टीशन पे लिखना है। एक्चुअली वो रैंडम पार्टीशन पे लिखते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा कि ये पार्टीशन जो है वो एक्चुअली में रैंडम जो होता है वो आता भी कैसे है। ठीक है, कोई ह्यूमन तो बैठा नहीं है प्रोड्यूसर के अंदर जो वो बता देगा कि ये वाला आप 0 पे भेजिए, ये 1 पे भेजिए। कुछ ना कुछ तो होगा ना जिसकी वजह से उनको पता चल रहा है कि पार्टीशन 0 पे जाना है, 1 पे जाना है। तो ये देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी कि एक्चुअली में प्रोड्यूसर को पता कैसे चलता है कि मेरे को रैंडमली भी किस पार्टीशन में भेजूँ मैं, ये बताता हूँ मैं आपको। और अगर काफका, सपोज कीजिए काफका ब्रोकर फेल हो जाता है, ठीक है, तो काफका जो है ना प्रोड्यूसर जो है वो इतना तेज होता है कि वो ऑटोमेटिकली रिकवर कर लेता है। इसको इसके इस पॉइंट को आप छोड़ दीजिए, अभी इस पॉइंट को मैं आगे समझाऊंगा आपको कि डिटेल में अगली आने वाली वीडियोज में कि काफका ब्रोकर अगर फेल हो जाता है तो प्रोड्यूसर जो है वो अपने आप से कैसे रिकवर कर जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ आ गया कि सपोज कोई मोबाइल डिवाइस है, वो कुछ डाटा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कोई जीपीएस जो है मोबाइल डिवाइस है वो जीपीएस लोकेशन अपलोड करना चाहता है तो वो काफका पे अपलोड कर रहा है एज अ प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे भी यही है कि प्रोड्यूसर जो है डाटा प्रोड्यूस कर रहा है और वो डाटा सेंड कर रहा है एक टॉपिक पे, टॉपिक का नाम आपको बताना पड़ेगा, पार्टीशन नहीं भी देंगे चलेगा, ऑटोमेटिकली वो चला जाता है पार्टीशन पे, बट वो पार्टीशन पे कैसे जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए कि प्रोड्यूसर जो है ना, मैं आपको बता रहा था कि पार्टीशन पे अपने आप चला जाता है, बट वट इफ कि आप चाहते हैं कि मैं पार्टीशन नहीं, मैं बताऊंगा पार्टीशन की कौन से पार्टीशन पे जाना है किस डाटा को, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वो आप की जो है की दे सकते हैं, अगर आप की नहीं देते हैं, की नल देते हैं। ठीक है, अगर आप की नल देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट राउंड रॉबिन के हिसाब से पार्टीशन 0, then 1, 2 ऐसे चलता रहता है, बट अगर आप की देते हैं कि नहीं मैं तो भाई पार्टीशन, ये वाला मैसेज जो है पार्टीशन 0 पे भेजना चाहता हूँ, ये वाला मैसेज जो है मैं पार्टीशन 1 पे भेजना चाहता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप की को दे सकते हैं वो वैल्यू और वो निकालेगा कैसे, आपने सपोज कोई भी की दी है, हैशिंग अगर आप लोगों को पता हो, हैशिंग में फटाफट से बता देता हूँ क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने आईडी दी है, कोई की दी है 1, 2, 3, 1, 2, 3 को वो कोई भी एक SHA-MD5 एल्गोरिथम लगाएगा, उसका एक कुछ हैश वैल्यू निकाल लेगा और उसको जब आप मोड करेंगे ना नंबर ऑफ पार्टीशन से, तो वो कोई एक वैल्यू आएगी 0, 1, 2, 3, 4, जितने भी पार्टीशन होते हैं उनमें से एक वैल्यू आएगी और वो उस पर भेज देगा। तो ये हैशिंग का कंसेप्ट होता है। मे बी मैं कभी और समझाऊंगा इसके बारे में डिटेल में, एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आप लोग ये समझ लीजिए कि हैशिंग से एक वो पर्टिकुलर पार्टीशन निकाल लेता है, राइट। और कि एक्चुअली मैं आपको जरूरत भी क्यों पड़ेगी कि मैं पार्टीशन बताऊं, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका ऑब्वियसली जो कंज्यूमर है वो तो सारे पार्टीशन को लिसन कर रहा होगा, एक टॉपिक को लिसन कर रहा तो सारे पार्टीशन को लिसन कर रहा होगा, बट ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि मेरे को पार्टीशन भी बताऊं मैं। वो कब जरूरत पड़ेगी, सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि एक ट्रक है, आपको चाहिए कि भाई मैं आपके पास 5 ट्रक थे, 5 के 5 कश्मीर निकले हुए हैं और आपको 500 की लोकेशन पता करनी है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि मेरे पास जो ट्रक 1 है ना उसकी सिक्वेंशियली जो है मेरे को
उसकी लोकेशन पता चलती रहे कि अभी ये कहाँ पे है, अब 20 सेकंड बाद कहाँ पे, अब 20 सेकंड बाद कहाँ पे, ट्रक वन की। तो आप क्या करेंगे, ट्रक वन की ना आईडी दे देंगे की में। अब आपने सपोज ट्रक वन का जो नंबर प्लेट पे नंबर लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था 1234। अब जब भी आईडी देंगे पार्टीशन में, तो 1234 की हैश वैल्यू निकल के हमेशा सेम आएगी, तो वो उसी पार्टीशन पे हमेशा अपलोड करेगा जाके। तो सपोज कीजिए 1234 था, उसका जो हैश वैल्यू निकल के आई वो आई पार्टीशन, वो आई वैल्यू 0, तो वो हमेशा वो जब भी उसकी लोकेशन अपडेट करेगा ना, वो पार्टीशन 0 पे करेगा, ठीक है। और कंज्यूमर में आप बता दीजिए कि मैं पार्टीशन 0 को रीड कर रहा हूँ और ये ट्रक वन का ही डाटा है, दैट्स इट। तो सिक्वेंस को मेंटेन करने के लिए ना, कई बार आपको पार्टीशन का की देनी पड़ जाती है कि इस पार्टीशन पे यही डाटा जाए। ट्रक टू का जो है उसका 1234 था ट्रक वन का, ट्रक टू का है 2345, उसकी हमेशा वैल्यू पार्टीशन बना रही है, ठीक है। वो हमेशा ट्रक टू का जो भी वैल्यू अपडेट होगी वो पार्टीशन वन पे ही जाके होगी, राइट। तो इस केसेस में जो है आपको की देनी पड़ जाती है, राइट। और की जो है कि कुछ भी हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कि मैंने एग्जांपल नंबर का दिया है आपको, बट कुछ भी हो सकता है कि, ओके। तो मैं आपको बता रहा था ना कि पार्टीशन जो है वो कैसे डिसाइड होता है। एक तो राउंड रोबिन तरीका हो गया, दूसरा क्या हो गया, अगर आप पार्टीशन की जो है नल दे के भेज रहे हैं कि भाई पार्टीशन अपने आप देख लेना, आपको जो भी सही लगता हो वहाँ डाल देना, तो इंटरनली क्या करता है ना, वो जो भी आप की भेज रहे हैं ना, उसको ये एल्गोरिथम लगाता है, वो मर्मर टू एल्गोरिथम, और उसका जो है ना टारगेट पार्टीशन इस फॉर्मूला से निकालता है, ठीक है। जो भी इसमें वैल्यू आएगी वो टारगेट पार्टीशन होगा और वहाँ पे अपलोड कर देगा वो, क्योंकि ऑब्वियसली कोई कुछ तो होगा ना उसके अंदर, प्रोड्यूसर के अंदर, जो वो बताएगा कि कौन से पार्टीशन पे अपलोड करो, तो वो इस एल्गोरिथम के थ्रू बता देता है। छोटा सा कंसेप्ट है, कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वरना आप लोग छोड़ भी सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब जो है मैसेज जो होता है, जो आप प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, वो मैसेज जो है वो मैसेज जा करके टॉपिक पे जाएगा, बट वो किस फॉर्मेट में जाता है। तो की हो गया एक, तो जिस जो आप लोग देते हैं तो वो ऑब्वियसली पार्टीशन को बताता है, और नहीं तो दूसरा तरीका जो है वो है कि अगर नल भी हो सकता है, वो ऑटोमेटिकली मर्मर टू एल्गोरिथम से पता लगा लेगा कौन से पार्टीशन में डालना है और वहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद दूसरा होती है फील्ड वैल्यू। वैल्यू ऑब्वियसली वो होती है कि आप क्या चीज़ भेज रहे हैं, एवरो भेज रहे हैं, मतलब जेसन भेज रहे हैं, एवरो भेज रहे हैं, क्या चीज़ भेज रहे हैं, जो भी आपको डाटा भेजना है। लाइक सपोज लोकेशन भेज रहे हैं तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भेजेंगे, राइट। तो एक जेसन फॉर्मेट बना के भेजेंगे, उसको यहाँ पे डालते हैं। कंप्रेशन टाइप हो सकता है कुछ भी, कि GZIP या स्नैपी LZ4 की किस फॉर्मेट में कंप्रेस करना चाहते हैं आप। हेडर जो है वो ऑप्शनल होता है। ये जो फील्ड है ये ऑब्वियसली आपको पता ही है, पार्टीशन प्लस ऑफसेट, ये बताती है। पार्टीशन मैंने आपको बता ही दिया, और ऑफसेट जो भी उस पार्टीशन का लेटेस्ट ऑफसेट होगा उस पर जाकर के मैसेज डल जाएगा। और टाइम स्टैम्प जो है वो टाइम स्टैम्प उठा लेते हैं सिस्टम का। ये एक काफ्का का ना मैसेज स्ट्रक्चर है, तो टाइम स्टैम्प इंपॉर्टेंट होता है। मे बी अभी आपको नहीं समझ आएगा, मे बी जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो समझ आएगा टाइम स्टैम्प क्यों जरूरी होता है, राइट। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, टाइम स्टैम्प इसलिए जरूरी होता है कि उसकी एक टॉपिक पे मैंने आपको बताया था कि एक लिमिट होती है कि कब तक वो मैसेज रहेगा, ठीक है। उन सब चीज़ों के लिए टाइम स्टैम्प जरूरी होता है। तो ये था काफ्का का मैसेज। अब इसके बाद क्या होता है कि ना, ऐसा नहीं है कि आपको वो जेसन की फॉर्मेट में डाटा भेजना है टॉपिक के ऊपर, तो आपने बस अंधाधुंध डाटा भेज दिया। आपको ऑब्वियसली जो टॉपिक है ना, वो एक एक भाषा समझता है, वो है बाइट्स की। तो अगर आप की और वैल्यू भेज रहे हैं ना, आप सपोज करिए आप इंटीजर और स्ट्रिंग भेज रहे हैं, ठीक है। इंटीजर एक की है आपकी, और स्ट्रिंग जो है हेलो वर्ल्ड जो है वो वैल्यू है। तो ऐसा नहीं कि वो स्ट्रिंग भेज दिया आपने तो वो स्ट्रिंग ले लेगा। वो क्या करता है, एक कॉमन मेथड है सीरियलाइजर डीसीरियलाइजर का, जिसमें वो उन चीज़ों को कन्वर्ट करेगा और वही जो है काफ्का टॉपिक एक्सेप्ट करेगा। जब आप कंज्यूम करेंगे वापस से उसको डीसीरियलाइज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, और फिर जो भी करना है उसके साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है जब अपलोड करने से पहले प्रोड्यूसर जो है उसको सीरियलाइज करेगा। अब सीरियलाइज कैसे करेगा, सीरियलाइज जो है वो बाइट्स में करेगा, और इसके ना जावा में कॉमन लाइब्रेरीज प्रेजेंट होती हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। कंज्यूम विद करेंगे तो जो भी है सर्डेस, सर्डेस मतलब सीरियलाइजर डिसीरियलाइजर, उससे आप लोग जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि मैसेज को जब कंज्यूम कर रहे हैं तो कंज्यूम विद लगा देंगे आप, और अदरवाइज प्रोड्यूस विद लगा देंगे, क्योंकि आप प्रोड्यूसर से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रोड्यूस विद लगा देंगे, और की वैल्यू का वो दे देंगे जिस भी फॉर्मेट में आप डाल रहे हैं। मतलब अगर आप इंटीजर और स्ट्रिंग में डाल रहे हैं तो प्रोड्यूस विद, ठीक है। और उसके बाद ये आगे आप लोग देखेंगे सब कुछ, प्रोड्यूस विद, और उसके बाद ब्रैकेट में जो है सीरियलाइजर डॉट इंटीजर कोमा, ऐसे लगा करके जो है इस फॉर्मेट को कन्वर्ट कर देगा बाइट्स
बाइट्स में जो कि प्रोड्यूसर पे अपलोड हो जाएगा, और सिमिलरली जब प्रोड्यूसर सॉरी प्रोड्यूसर पे नहीं टॉपिक पे अपलोड हो जाएगा, और जब आप कंज्यूम करेंगे सिमिलरली आप वहां से उठा करके उसको डिसरियलाइज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, और फिर जो भी करना है डैशबोर्ड पे या कुछ भी वो दिखाएंगे। ये एक कॉमन चीज़ है जो इम्पोर्टेंट होती है, जो मतलब दोनों तरफ से प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों तरफ से लागू होती है। तो इसको हम लोग देखेंगे जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये इस वीडियो में यही था, थैंक यू। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे।